भारत और कनाडा ने बुधवार को अपने संबंधों की एक नई इबारत लिखी। दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें परमाणु ईंधन यूरेनियम की फिर से आपूर्ति शुरू करने पर किया गया समझौता द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस मौके पर कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने कहा कि कनाडा अगले 5 वर्षों तक भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। This is of course a growing relationship. To that end, I'm pleased to note that Cameco will supply Saskatchewan uranium for India's atomic energy program over the next 5 years, and I want to take this opportunity to congratulate Premier Brad Wall and Tim Geitzel, President and CEO of Cameco, on this great announcement. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परमाणु ईंधन समझौता दोनों देशों के बीच मजबूत विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यूरेनियम से भारत स्वच्छ ऊर्जा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। क्लीन एनर्जी के मेरे मिशन को सफल होने के लिए यूरेनियम अनिवार्य है, और मेरे लिए यूरेनियम ये सिर्फ कोई खनिज नहीं है, मेरे लिए यूरेनियम एक विश्वास है, मेरे लिए यूरेनियम ये विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने की दिशा में एक प्रामाणिक पवित्र प्रयास है, और उस अर्थ में यूरेनियम का हमारा जो संबंध है उसको देखना चाहिए, ये मैं आशा करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद से मिलकर लड़ने की जरूरत है, और इसके लिए उन्होंने वैश्विक स्तर पर समन्वय के महत्व को रेखांकित किया। वी इन इंडिया फेल्ट कैनेडाज पेन व्हेन दिस सिटी वाज स्ट्रक by a senseless act of terrorism. The threat of terrorism is growing. Its shadows extends over cities and lives across the world. We will deepen our cooperation to combat terrorism and extremism. We will also promote comprehensive global strategy and consistent policy and action against all sources of terrorism and its support. कनाडा भारत को 1970 के पहले तक यूरेनियम की आपूर्ति करता था, पर पोखरण विस्फोट के बाद इसे रोक दिया गया था। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग की शुरुआत हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आर्थिक भागीदारी के नए ढांचे को बनाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि भारत के पास विनिर्माण केंद्र बनने की क्षमता है, और इसमें कनाडा से प्राप्त कच्चा माल महती जरूरत को पूरा कर सकता है। सुधाकर दास के साथ आर्येंद्र प्रताप की रिपोर्ट, DD News, ओटावा, कनाडा।